स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में। मैं आपके साथ मुस्कान। जिम्मेदारान हजरी मुतहदा कौंसिल शहर के जिम्मेदारान खवातीन हजरात अलमीन मेडिकल कॉलेज नॉन टीचिंग स्टाफ एम्प्लॉयज की जानिब से ये स्ट्राइक पिछले 11 दिनों से चल रहा है। आज के 11वां दिन है, 11 दिनों से चल रहा है। शुरू दिन से आप इस स्ट्राइक के ताल्लुक से मुझे भी और एमएमसी के सारे जिम्मेदारों को, शहर के जिम्मेदारों को इसकी खबर है और हम लोग मुसलसल आपके जिम्मेदारों से भी रास्ते में रहे। आप हजरात खवातीन और जिम्मेदारान जितने भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, आपके अपने मसाइल, आपके इश्यूज और आपके डिमांड्स अपनी जगह आपके अपने हिसाब से दुरुस्त हैं। मैनेजमेंट की जानिब से जो भी बातें हो रही हैं वो भी हमने अपने तौर पर मालूम की और उन बातों को जानने और समझने की हमने कोशिश की। मुस्लिम मुतहदा कौंसिल एमएमसी और ये जिम्मेदारान हम सब ने मिलकर ये कोशिश की है कि एम्प्लॉइज़ के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान, मेडिकल कॉलेज के मैनेजमेंट के दरमियान और एम्प्लॉइज़ के दरमियान हम लोग जोड़ने का काम करें। तो जोड़ने का काम करने के लिए हम लोगों ने उपाय किए, इसलिए कि आप तमाम, जैसा कि मुझे बताया गया कि 650 जिम्मेदारान आप हैं, 650 एम्प्लॉइज़ हैं। जाहिर सी बात है कि 650 एम्प्लॉइज़ का मतलब 650 फैमिलीज, 650 ख़ानदान, और आप सबके माली हालात और आप सबके फाइनेंशियल हालात वगैरह से उनके भी अपने मसाइल हैं, उनके भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, हम वो भी जानते हैं, वो भी समझते हैं। तो हमने अपने तौर पर ये कोशिश की है कि आपके मसाइल को भी जानें, मेडिकल कॉलेज के भी मसाइल को जानें और जान करके हम दरमियान का एक रास्ता निकालें। आपके जैसे 10-12 डिमांड्स हैं, आप लोग चाहते हैं कि ये वो काम, ये काम वो, फला काम वो, फला काम। मैनेजमेंट की जानिब से उनके अपने भी शरायत होते हैं, कंडीशंस होते हैं, वो चाहते हैं कि ये कंडीशन मानो, ये कंडीशन मानो। तो इसके लिए फौरी तौर पर कोई एक रास्ता नहीं निकलेगा। एक दो बातें जो बहुत अहम है उन्हें माना जाएगा, बकिया बातें उन बातों को स्टेप बाय स्टेप बतदरीज मान करके उसे हल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ही एमएमसी ने कोशिश की है। आपके जितने डिमांड्स हैं उनमें खास तौर पर इंक्रीमेंट का एक डिमांड था। इंक्रीमेंट के डिमांड के बारे में मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों ने ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब की जानिब से आप लोगों को कल बता दिया गया कि आपके इंक्रीमेंट की जो डिमांड है वो अलमीन मेडिकल कॉलेज उसे कबूल करती है। ये कल बता दिया गया है आपको, इसके लिए कोई मतलब की दुश्वारी नहीं है। 11 लोगों की बात है, इन पर इंक्वायरी वगैरह चल रही है। इंक्वायरी के सिलसिले में जैसे हमारे जिम्मेदारों ने बात की, हाजी साहब ने बात की, टपाल इंजीनियर ने बात की, महीनू बिड़गी ने बात की, कि ये इंक्वायरी 10 दिन 15 दिन महीने में जितने दिनों में भी ये इंक्वायरी ख़त्म हो जाएगी। ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब के साथ हमने बात की, ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब से हमने कहा कि इंक्वायरी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप बीजापुर आइए, अलमीन मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारान आपके साथ रहेंगे, मुस्लिम मुतहदा कौंसिल के जिम्मेदारान आपके साथ रहेंगे, शहर के जिम्मेदारान आपके साथ रहेंगे, हम सब मिल करके ये 11 लोगों का जो मामला है वो भी और एम्प्लॉइज के जितने मसाइल हैं उन मसाइल के बारे में तबादला ख्याल करके सारे मसाइल को हल करने की हम कोशिश करेंगे बोलकर बता दिया। इंशाल्लाह ताला शरीफ साहब की जानिब से ये गुजारिश, उनकी जानिब से मतलब ये बात हम तक पहुंचाई गई है। आप सब अलमीन मेडिकल कॉलेज का हिस्सा हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं हाँ वो टीचिंग डिपार्टमेंट के हों, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के हों, आप सब अलमीन मेडिकल कॉलेज का हिस्सा हैं। अल्लाह है हम सब का महबूब इदारा है। जैसा कि टपाल साहब बता रहे थे कि हमारी नाक है, वैसे ही हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जहां आपके हुकूक की बात करें वहीं इदारे के तहफ्फुज़ की भी बात करें। शरीफ साहब बहुत ही मतलब कि अच्छे इंसान हैं, नेक तबीयत के हैं, बहुत फराग दिल हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अपने ताल्लुक से बहुत सारी बातें हो सकता है कि कहीं से कोई गलत फहमी होगी, ऐसा नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात की है। तो आप सब, हम सब अलमीन मेडिकल कॉलेज को, पूरे कैंपस को, हॉस्पिटल को, पूरे इदारे को आने वाले दिनों में बहुत मजबूत करने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये हम सब की जिम्मेदारी होगी। ये इदारा जितना तरक्की करेगा उतना ही मतलब है कि आपका भी फायदा होगा, आपको भी सपोर्ट मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम सब मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। फिर एक मरतबा मैं आपसे कहता हूँ कि शरीफ साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने इंक्रीमेंट के ताल्लुक से कल ही ऐलान करवाया है। 11 लोगों के बारे में इंक्वायरी जैसे ही ख़त्म होगी और इंक्वायरी के दरमियान जो भी नेगेटिव पॉजिटिव बात आएगी, शरीफ साहब यहाँ आएंगे, हम सब के साथ बात करके 11 लोगों का मसला भी हल करेंगे इंशाल्लाह ताला।
चाहे इंक्वायरी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन वो मिल बैठ करके हम लोग मसले को हल करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा आपके जितने डिमांड्स हैं उन डिमांड्स पर भी तबादला ख्याल होगा, और एक के बाद दिगरे बतदरीज स्टेप बाय स्टेप सारे मसाइल को हल करने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश की गई है कि आप फौरन स्ट्राइक खत्म करके यहीं से हमारे सामने ही आप जा करके काम अपना वर्क ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला, करेंगे ना इंशाल्लाह ताला, तरकीब करेंगे। ये हमारे जिम्मेदारान भी हैं, हमारे साहब कंटिन्यू दूसरे दिनों बोलने में हमें जाकर दो बार तीन बार एम एम सी सी हमारे साहब के बारे प्रेसिडेंट बात करे, उन्होंने पहला हमें भी दवा खाने में जा के लिए दो दिन पहले, इनके हाथ में क्या नहीं है, इनके हाथ में जो कि बोलते हैं इन्हों डॉक्टर उन्हों डॉक्टर क्या नहीं, उन्होंने ही मालक तुम्हारा प्रेसिडेंट है उनके बाद पर बात करने कितना लेट हुआ तुम्हारे ये 11 जने को, वो क्या केस है इंक्वायरी कर को अच्छा तो बुरा तो वट इनको लेने की बात कर रहे हैं, और तुम्हारी इंक्रीमेंट पगार बढ़ाना वो सब करना तुम्हारे साथ हमें तुम्हें उन्होंने रहने वाले बेंगलोर में हमें तुम्हें रहने वाले एक ना एक दिन डेली आना जाना तुम्हारे पास रहता हूँ बीजापुर वाला दवाखाने को, तुम्हें सब भी मिला को शायद जवाबदारी ली और सब भी हमें पूरे मिला को तुम्हारे साथ नहीं क्या भी हो उन्होंने बदले तो भी हमें तुम्हारे साथ है आपको तुम्हें क्यों बटे हमें क्या हमें सब भी मिला को बात करें तुम्हें साहब भी बोलते हैं तुम्हारे एसोसिएशन वाले बोलते हैं अध्यक्ष भी बोलते हैं तुम्हें आज का आज है नौकरी को हाजिर हुआ कहाँ पगार भी जाती नहीं इंक्रीमेंट भी जाती नहीं सब लेने लेंगे उन्होंने देना चाहे उनके तरफ से हुए साहब वो बोल को रुका दिए तो कल सुबह में 8 बजे जैसे हमारे हमारे ड्यूटी के टाइमिंग्स हैं सीधा वो ड्यूटी के टाइमिंग को पंच दबाना अपनी साइन करना है जहाँ रेगुलर साइन करते थे रजिस्टर में बाकी का कुछ रहा तो और कुछ भी नहीं है सिर्फ पंच दबा के अपनी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन होना है जो भी वर्कर्स पहले जैसा कर रहे थे इवन इंक्लूडिंग आउटसोर्स अल्लाह के वास्ते मैं और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सर कुछ भी नया अगर करेंगे तो ये फिर बाहर आके मसला खड़ा होगा तो मेरी रिक्वेस्ट है एज यूजुअल जैसा जैसा अपनी अपनी ड्यूटियों को जाते थे सुबह 8 बजे 9 बजे अपनी अपनी ड्यूटियों को पंच दबा के साइन करके अपनी अपनी ड्यूटियों को चले जाइए और बाकी का जो मसले हैं वो माइल बैठ गया हमें अभी कंटिन्यू उनके साथ में टच रह के एक 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 पॉइंट हमें पूरा हल कर लेते हैं तुम्हें इतना भरोसा करें इंशाल्लाह हमारे ऊपर और एक बार क्यों करो बोल रहे तो ये जो शख्सियत हमारे सामने दे रहे हैं ये कोई मामूली नहीं है ये इतना इनका मर्तबा है ये पूरे बीजापुर को बंद करके भी हमारा मसला हल कराने की ताकत होना रखते हैं इसलिए हमें एक उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो अल्लाह के ऊपर भरोसा रख के हम हमारे कामों को कल से लौट जाएंगे ठीक है भाई शुक्रिया SS News से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल SS News को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए SS News।